आपको अच्छा लगे मेरा एक प्रयास। रसियाबाजी के जिन्हें सम्राट कहा गया, जैसे कीर्तन सम्राट कहे गए हमारे आदरणीय दद्दा जी, ऐसे ही रसियाबाजी के सम्राट कहे गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कुछ पंक्तियां गाया करते थे गुरु बिजेंद्र शर्मा, हाथरस के रहने वाले। मैं आपको एक परिचय बता दूं, कीर्तन क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन रसिया क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। रसियाबाजी में लिखने की बात करो तो गुरु चंदोलाला मंच को, मोशन देने की बात करो तो सत्तो शर्मा, और रसियाबाजी को नई पहचान देने में बिजेंद्र शर्मा, और अगर गायकी की बात करो तो बीदा बाबू, जिनको कोयल का खिताब मिला था, पवन उस्ताद जो यहां पर इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। और गायकी की अगर बात करो तो बी के मधुआ राया, अशोक शर्मा जैसा रसियाबाजी का गाने वाला इस जमाने में नहीं हुआ। वो गाया करते थे कुछ पंक्तियां, इठला के न चल, बल खा के न चल, गिर जाएगा जोवन पानी में। स्वर चल रहा है, आप कहां गा रही हैं, ये व्यर्थ की बातें होती हैं, अपना अपना तरीका है। ठीक है भैया, इठला के न चल, बल खा के न चल, गिर जाएगा जो बल पानी में। मल मल के बदन, मल मल के बदन ऐसे न नहा, पड़ जाएगी उलझन में। ये हो, ये हो, ये हो। लेकिन मेरा गीत है हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, माता बहने भी बैठी है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, ये हो, तो बेटी नैनों की ज्योति है, ये हो, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की थी पंचामृत की। तो मैं कहा था तुलसी दल के बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। बड़े भैया, मैं पूछ रहा हूं तुलसी किन किन भक्तों के यहां पे है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं से अपना प्रसंग ले रहा हूं। बड़े भैया, कभी कभी बिन यत्न के ही घर के आंगन में हरियाती है, घर के आंगन में हरियाती है, घर के आंगन में हरियाती है। अरे कभी कभी बिन यत्न के ही घर के आंगन में हरियाती है, कभी लाख यत्न करने पर भी वो तुलसी मुरझा। विचार करने की बात है, कभी कभी तो कुछ मत करो, आंगन में हरिया जाती है, और कभी लाख कोशिश कर लो लेकिन तुलसी सूख जाती, मुरझा जाती है। आखिर कारण क्या? तुलसी से हमेशा नेह रहा वो माधव मदन मुरारी का, तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी। आज समाज की सबसे बड़ी दूषित अवधारणा, गर्भ के अंदर अगर बेटी सुन, ये भी सुन ले के गर्भ के अंदर बेटी है तो मातम छा जाता है। दुष्ट लोग ऐसे भी हैं कि उस बेटी को जन्म से पहले ही मरवा देते हैं। मेरा कहना है ऐसे लोगों से कि
चाहूंगा तालियों के साथ अगर बात सही हो, कि पाप हो नहीं सकता है जो गर्भ में मर बाबे बेटी को वो उसका पाप हो नहीं सकता है। क्रांति जी, अगर वो बेटी कहते हैं कि अगर जन्म लेने से पहले हमारी माँ के साथ भी ये हो गया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज इस धरती पर न कोई क्रांति माला होती, न कोई रामवीर होता, ये सृष्टि नहीं होती अगर ये माँ नहीं होती। हो। भक्ति के भाव में जुड़े हुए नीति के रूप अनूप, नीति के रूप अनूप माँ बेटी बहन बहु नारी के चार हैं। तब कहना है माली को चमन का ध्यान न हो, ये हो, ये हो। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी, ये हो, ये हो, ये। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और पूरी रात्रि में जैसे आप लोगों ने सहयोग दिया है, अगर पंक्ति पसंद आ जाए तो आशीर्वाद तालियों का जरूर चाहूंगा। नारी को माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और कितनी भी कोशिश कर लो जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे जवाब लिखने वाले लिख देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक बिल्कुल सच्ची घटना है, एक दुष्ट बेटा बहुत बड़ी नौकरी पे पहुंच गया, बूढ़े मां बाप घर पे हैं, 10,000 रुपए महीने खाते में डालता है। धीरे धीरे उसके फोन आने भी बंद हो गए, माँ बीमार अस्पताल में पड़ी है, गांव वालों ने कहीं से नंबर लेकर के फोन मिलाया, अरे पापी तेरी माँ बीमार है। वो दुष्ट बेटा आया अस्पताल में पहुंचकर उस मां के सामने खड़े होकर कह रहा है, अरे तू क्या बोल रही है, क्यों मुझे परेशान किया, तू क्या बोल रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मां का गला रुंध गया है, आवाज साफ नहीं निकल रही। जब पापी पुत्र ने कहा कि तू क्या बोल रही है मेरी समझ में नहीं आया, तो पिता ने जो जवाब दिया कलेजा थाम करके सुनना, पिता ने कहा अरे दुष्ट ये माँ क्या बोल रही है आज तेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब तू इतना सा था तो तेरे रोने की आवाज में ये माँ जान लेती थी तुझे भूख लगी है कि तुझे प्यास लगी है, आज तेरी समझ में नहीं आएगा ये माँ क्या बोल रही है। ये माँ कह रही है तेरे 10,000-20,000 नहीं चाहिए, एक बार केवल माँ कहकर के आवाज दे दे, उस माँ को कोई बीमारी नहीं है, वो माँ सही है। लेकिन कहना पड़ता है दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए,
बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। क्रांतिमाला जी, आपका आरोप मैं मान लेता, अगर मैं तुमसे कोई बदतमीजी कर रहा होता तो मैं मान लेता कि मैं रसियाबाजी कर रहा हूँ। मैंने बहन के अलावा कोई शब्द आपसे नहीं बोला, कवित गा रहा हूँ, सवैया गा रहा हूँ, शालीनता के गा रहा हूँ, भक्ति के गा रहा हूँ, तो आपका आरोप लगाना कि रसियाबाजी हो रही है ये गलत है। मेरा कहना क्या है, दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, बरसात तो मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और अब तालियां चाहूंगा, बरसात मौसम के बाद किस काम की, अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। जहां मैया का सम्मान न हो तो तुलसी कैसे महकेगी। अब दूसरी बात, जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है, पर पति के दिल में स्थान न हो गम गर्द में बहकेगी। और जहां पत्नी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे बहकेगी, जहां पत्नी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे बहकेगी, जहां पत्नी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे बहकेगी। भैया आदित्य जी, अब तीसरा रिश्ता रहा बहन का, पीहर को छोड़ ससुराल गई लेकर के रिश्तों का गहना, माँ बाप ढूंढती है भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना। विश्वास मान लेना, माँ बाप के बाद अगर भैया बहन को देख करके न मुस्कराए तो वो बहन जान लेती है कि अब मेरा पीहर खत्म हो गया, पीहर में आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहना, भैयन के अधर मुस्कान न हो तो वो मिलन को कैसे कहकेगी। और महाराज जी, मैया का सम्मान न हो, पत्नी का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो तो वहां तुलसी कैसे महकेगी, जहां बहना का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी, जहां बहना का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार पुरस्कार जो दे रही हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जहाँ पे ये सुनने न जाती हूँ, और बढ़िया कार्यक्रम सुनने की ये माताजी शौकीन है, आशीर्वाद देकर के गई हैं। मैं चरण वंदन कर रहा हूँ और आखिरी वंदे मेरे गीत का, रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, इसे संस्कार और शिक्षा दो आंगन का खिलौना है बेटी, पर सम्मान से कन्यादान न हो तो अशगुन में आंखिए लहकेगी। और विश्वास कर लेना, जहां बेटी का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो, जहां पत्नी का सम्मान न हो, जहां मैया का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कभी ना महकेगी।
छोटा सा कटपीस दे रहा हूँ। समय समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, आइए कोई बात नहीं, अब आप लोग मेरे साथ गाएंगे। बातें करता है ये बात कि ये रसिया नहीं है, रसिया में वो रहे उनका बड़ा नाम था, उनका वहाँ नाम था। और क्या, पाकिस्तान गए थे वो, हिंदुस्तान के बाहर गए थे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन जिन लोगों के आपने नाम गिनाए, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। सही है। और मैंने बहुतों को देखा भी नहीं, आपका क्षेत्र है तो आप जानते हैं। हाँ, लेकिन मैंने दादा ब्रजेंद्र जी को, किशन दादा को, इन लोगों से मैं मिली हूँ, तो इन दो चार लोगों को तो मैं जानती हूँ। और क्या, लेकिन जवाबी से इसका कोई लेना देना नहीं, जवाबी में इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैंने यही कहा कि अगर आप जवाबी का कार्यक्रम बुक कर रहे हैं तो वहाँ जवाबी करिए, और रसिया का कार्यक्रम बुक कर रहे हैं तो वहाँ रसिया करिए। और आपका बगैर रसिया के काम चल ही नहीं सकता, ये भी आप समझ लीजिए। कोई भी गीत हो उसमें आप बगैर रसिया के, बगैर कवित्व के, बगैर छंद के कोई गीत गा ही नहीं सकते, नहीं गा सकते। ये डॉक्टर ने पर्चे पर लिख दिया है, लिख दिया। वो कभी हो ही नहीं सकता ना, बस उससे ज्यादा क्या कहूँ ना कहो। और जवाब आपका नहीं आ रहा, लेकिन रसिया की लाइनें आप भर भर के उसमें आप पूरा कर रहे हैं उसको, जबरदस्ती का माठा बना रहे हैं। तो ये जो जनता है वो सब जानती है, और क्या, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये जनता आपको प्यार दे रही तो आपसे ज्यादा मुझे प्यार दे रही है, मुझे सम्मान दे रहे हैं लोग। और देखिए तालियां मुझे कहनी नहीं पड़ रही है, सुनने वाले जब यहाँ से अपने घर जाएंगे या सवेरे जब चार चार छह छह टुकड़ियों में बैठकर बात करेंगे तो ये आपस में विचार विमर्श कर लेंगे कि रसिया क्या था और कीर्तन क्या था, क्रांति माला क्या सुना कर गई और रामवीर जी क्या सुना कर गई। ये अच्छा है कि आपका गीत अच्छा है, अच्छा। आपका अपना गाना बढ़िया है, लेकिन जवाबी में बस जय सिया राम। बहुत दिमाग की जरूरत होती है बेटे। चलिए, कह रहे हैं आप सहानुभूति लूट रही हैं। अच्छा, हम क्या लूट रहे हैं? सिटी मेरे ही चक्कर में क्यों हो रहा भैया? लगता है कर दिया है, ये कोई जादू टोना किया है आप लोगों ने। और क्या, ये कुछ घूस उस दे दी, कोई घूस उस मिली है आपको। चलिए, आप जाने, आपका काम जाने। और क्या, बस केवल अपनी अंतरा को एक बार पढ़ूंगी मैं और आपकी अंतरा को मिलाऊंगी। आप हमसे कह रहे हैं मैंने पूतना गाया, तुमने भी पूतना गा दिया। श्रीमान जी, आप मुझे रदीप काफिया बता रहे हैं। अभी मैं बताती हूँ, आप अगर रदीप काफिया की बात कर रहे हैं तो एक जगह भी नहीं चल रहे हैं। अगर आप कह रहे काफिया से काफिया टकराना चाहिए, ये जवाबी है, तो मैं कह रही हूँ मेरे गीत में आ रहा था अमृत बन जाता है। अभी आप सुनिएगा कि मैंने कटपीस दिया था कि घी और शहद मिला खाने से मानव मृत बन जाता है। पहले में दो अक्षर हैं, दो अक्षर, मृत मृत मृत। फिर दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है। फिर तीन अक्षर मृत के बाद अमृत, तो पांचों को कर एक किया के पांचों को कर एक किया के पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। पहले दो, फिर तीन, और पंचामृत लिखिए तो चार। और फिर लिखिए कि प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है। फिर हो गए पांच। आप क्या लाए बताओ। मैं जनता से पूछना चाह रही हूँ, क्या जवाब हो गया? आप लोग बताइए, तालियां बजाकर बताइए। ये जनता को पागल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। हाँ। दो चार दस लोगों को तो मीठी बातें करके पागल बना सकते हैं, ये बात, लेकिन जनता जो है पूरी जनता को पागल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो। ये पब्लिक तो, सब जानती है। और हम तो रामवीर भैया वैसे भी आपके हैं। और क्या? जब आपने मुझे बहन कहा है तो मैंने भी कोई गाली नहीं बकी आपको।
ये लड़ाई मैंने भी रात भर भैया ही कहा है आपको, लेकिन जवाबी की लड़ाई है तो जवाबी से लड़िए, इसमें कोई मुरव्वत नहीं होगी, वैसे भाई हो। बस ये है कि राखी नहीं बांध पाए। धन्यवाद। अब आप जो जवाब दे रहे हैं वो जनता ने सुना है, कह रहे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पहले यतन बन जाता है, फिर जतन बन जाता है, फिर तन बन जाता है, पहले तीन तीन फिर दो, अभी मानव तन बन जाता है। हालांकि हमारे केएस भैया म्यूजिक संजय भैया बैठे हैं, थोड़े दिन पहले का एक कार्यक्रम मेरा लाड हमीरपुर कुर्रा का चल रहा है, उसमें पूनम जी भी यही सुना रही है, मानव तन बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यूट्यूब की आजकल सब जगह प्रसार हो जाता है, कलाकार घर से तैयार करके ले आता है। जिसको देखो आज क्रांति से कार्यक्रम पहले यूट्यूब देखता है, कौन कौन से गाने चल रहे हैं। मानव तन बन जाता है। अरे क्षितिजल पावक गगन समीरा से केवल मानव तन ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सबका तन बन जाता है। अकेले केवल नर्तन ही थोड़ी, ये गाय भैंस बकरी ये सब में भी पांच तत्व होते हैं, इसमें आठ दस थोड़ी होते हैं। जितने भी संसार में जीव हैं सब में पांच तत्व होते हैं सब में। और खास बात और बताऊं आपको, नर्तन बन जाता है, केवल नर्तन बनने से सृष्टि नहीं चलती, ये बात। उसमें एक तत्व और मिलाना पड़ता है, वो होता है प्राण तत्व। जब तक प्राण तत्व तो नहीं पड़ेगा तब तक नर्तन का कोई जरूरत। बहुत ज्ञानी है, लेकिन ठीक है ये मंडल बस क्रांति माला जी आप चढ़ा रहे जेऊ बेऊ जेऊ खाओ जो जो आलू, हमारे यहाँ चेऊ प्याऊ नहीं होता। नहीं, साफ सुथरी बात मिलेगी, साफ ढोलक बजती। चलिए बढ़िया है, आप भाई हैं मेरे, भाई रहेंगे लेकिन जवाबी में नहीं। हाँ करे, मैंने ये नहीं कहा कीर्तन में हमारे यहाँ ऐसी ढोलक बजती है। पहली बात तो कीर्तन में जैसी ढोलक बज रही वैसी बजती नहीं है, ये तो रसिया में ढोलक बजती है जैसी बज रही है। यार क्या, वो लड़का हमको जानता है, छोटा भाई हमारा है वो। ये जागरण के मंच नहीं है, कीर्तन अलग है, शुद्ध कीर्तन। चलिए कभी हम अपनी तरफ बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा कीर्तन कैसा होता और है। और टूर्नामेंट बुलाएंगे आपको खिदवाई नगर में। चलिए एक गीत आपने दिया है, चार लाइनों में उसका प्रयास देखें, समय का अभाव भी है। गीत कह रहा है आपका क्या, और आप कह रहे मेरे गुरुजी शायरी पढ़ते हैं कि जवाब जवाबी होती है या। तो जवाबी सीख लो, लुभाना छोटों को सीख लो, जो गैरों पे उंगली उठाए वो कभी दिखाई नहीं देती, आसमां पे उड़ते हैं जमी उनको दिखाई नहीं देती। अच्छा कहते हैं आपके गुरुजी, ये केवल दूसरे कलाकार के नहीं आपके लिए भी कहते ही होंगे, पहले आपको सीखना चाहिए दूसरों को सिखाने से पहले। क्यों? क्योंकि पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, हम दूसरों के ऐब निकाला नहीं करते, और उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में कभी उजाला नहीं करते। पहले अपने आप को देखना चाहिए। और क्या, चलिए बढ़िया है। एक अंतरा पढ़ूंगी केवल, भैया रामवीर जी अंतरा इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपने मुझे काफी ज्ञान दिया। और क्या, कि इसमें ये काफिया नहीं टकराया, इसमें ये लाइन नहीं टकराई, ये ऐसे नहीं जोड़ा आपने। और क्या? तो पहले देखिए आपने कितना माठा बनाया है उसको। ये बता दो बेटा, बता दो। मेरे गीत में एक अलंकार चल रहा है, ये वो अलंकार कौन सा है सोचिएगा। सोचिए के प्रीत इनकी पुरानी है ऐसे, गीत में ऐसे और जैसे का प्रयोग है, ये राम और जानकी जैसे। प्रीत इनकी पुरानी है ऐसे, जैसे होती पतंग संग में डोरी, जैसे होती पतंग संग में डोरी, लख रही
जानकी प्रभु को ऐसे जैसे चंदा को लखती चकोरी, जैसे चंदा को लखती चकोरी। सोचिएगा मिला क्यों? इसीलिए कहा गुरुजी जो कहा करें पहले अपने ऊपर रखा करो। हर और सुनिए रामवीर भाई, हर गीत चिल्ला के ना गाया करो, उसका रस खत्म हो जाता है, वो हो जाता है चरस। हेलो, ऐसे ही समझ में नहीं आता। यदि यदि कमलिनी कली जान की तो भानुकुल के रवि राम दिन कर, भानुकुल के प्रभु राम दिन कर, मुख कमल का वो मकरंद करते पान रघुराई बन कर के मधुकर, पान रघुराई बन करके मधुकर। गीत में एक अलंकार चल रहा है, अलंकार आपने गाया है, बता दो। दोनों को दलिय नयनन पुतरिया तन तपन को कैसे सहेगा, कोई अलंकार कोई काफिया कोई रदीप कुफ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा ना। और जोड़ता हाथ में विनय के साथ में मन मनोरथ को मनने दे, मन मनोरथ को मनने दे। अब मनोरथ से ही मिलना चाहिए तो बात है एक ही, मान जाके कई राम को युवराज बनने दे। एक तरफ मनोरथ एक तरफ युवराज, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, है? और पंक्ति गलत है। भैया लोगों से निवेदन चाहूंगी कि आप लोग सुनिएगा, इन्होंने कहा राम को, वो कह रहे राजा दशरथ के राम को युवराज बनने दे। अरे राम तो युवराज थे ही, युवराज नहीं, राम को राजा बनने दे। ये बात यह कीर्तन युवराज यानी पुत्र, वो तो बने ही है, युवराज बनकर तो रह ही रहे हैं, राजा बनने दे। ये बात बड़ी कमी निकालने में अगर आ गए तो सब पूरी कमियां निकाल दूंगा। लेकिन बस ठीक है, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप गा दें सब अच्छा है। डर 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 ये नहीं, गंदी बात। चलिए हमारे भैया सीटी बंद कर लो मेरे भाई, अरे जब तक कहे ना तब तक बंद भी नहीं हो रही। और क्या, सारी आवाज आप ले गए सत्य मानिए, हम लोग कैसे गा रहे हैं हमारा दिल जानता है। आज इनको पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब में हम देखा करते हैं रामवीर भाई को, बढ़िया गाते हैं आज। लेकिन इतना जरूर कहूंगी रामवीर भैया बढ़िया अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं आप। हाँ बढ़िया, अच्छे थे नहीं अच्छे हो गए, हो गए। भटक जाते हैं बेटा कभी कभी कोई, क्योंकि उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है बड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्या बात मिले, वाह क्या। चलिए गीत है आपका, छोड़ो बेटा छोड़ो। कि मल मल के बदन ना ऐसे नहा, पुरस्कार भी आपके यहाँ से ही मिल रहा है। ये और क्या, आप कह रहे रामवीर की औकात नहीं है, जनता ने रामवीर को इस लायक बनाया है। आप सत्य मानिए भैया, जनता अगर आपको चाह रही है तो आपसे ज्यादा मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। और औकात की बात कोई नहीं करता ना भैया, औकात तो मेरी भी नहीं है,
मैं तो आपके बराबर भी नहीं हूँ, चाहे उम्र में देखिए, चाहे ज्ञान में देखिए, चाहे रसिया दंगल में देखिए, चाहे चाहे कुश्ती भी लड़ने पे आए तो हमारे ही जाएंगे, चाहे सेहत में देख लीजिए आप आ गई हैं, और फिर उससे बड़ा औदा आप बड़े हैं, भाई हैं, तो आपका मान पहले है, लेकिन ये भी नहीं कि आपके कहने से मुझे मान मिल रहा है, मान सम्मान व्यक्ति को कमाना पड़ता है, आपने इतने समय लगा दिए, 8-10 साल लगा दिए इस मंच पर इतना सम्मान कमाने में, और ये क्रांति माला का सौभाग्य है कि पहली बार में ही उतना सम्मान मिला। लोग मेहनत करते हैं। चलिए सुनिए। इठला के न चल, बल खा के न चल, गिर जाएगा जोबन पानी में, तो मल मल के बदलना ऐसे नहा, मल मल के बदलना ऐसे नहा, लग जाएगी आग ये पानी ये गीत मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप एक सक्षम राइटर भी हैं, तो आपका ही होगा, आपका होगा गाने वाले, आपके ही हाथरस के बहुत लोग हमारे यूपी में बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन गीत आपका है ये। अब हम क्या कहें, आपको कुछ कहूंगी तो सूर्य को दीप दिखाने के बराबर है, डर गया, लेकिन अच्छा है, जिस प्रकार से क्रांति माला के गीत भी लोग यहाँ बेच पर चले जाते हैं, उस प्रकार आपके गीत वहाँ चले जाते हैं। मेरे कई एक गीत जो यहाँ गाने आएंगे वो गाएंगे, अभी एक जवाबी और होगी, मत खोलो बोल पट्टी बेटे, चलने दो, लेकिन जरा सुनिए, बहुत अच्छा गीत आपकी कलम से अगर आया है तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ आपकी कलम को, आपकी सोच को, ऐसे गीत समाज में संदेश पहुंचाते हैं, क्या बात, कि इतने अनाथालय वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं लेकिन लोग अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, पहले दूसरे पर उंगली उठाते हैं, समझाओ, आपने कहा ये तुलसी अगर अपने घर में ये खुश ना हो तो तुलसी मुरझा जाएगी, देखिए तुलसी अपनी जगह है, क्या बात, तुलसी अपनी जगह है, लेकिन मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, माँ बेटी बहन दुल्हन बन कर, ये मामला सेटिंग का है, 20 साल से चल रहा है। रामीर भैया आपका एक थोड़ी सी बात मुझे मेरे दिल को लगी, आपने कहा अभी तो हम लोगों ने कुछ शुरू ही नहीं किया है, ये आप नहीं आपका घमंड बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, आपने कहा अभी तो हमने रसिया शुरू ही नहीं किया है, अरे तो शुरू करिए, कर तो दिया ही है, जब से आया तब से रसिया ही तो झोंक रहे हो, अभी क्या नहीं शुरू किया है, अब इससे ज्यादा कोई उल्टा खड़े होके तो सुनाओगे नहीं, ऐसे ही सुनाओगे, उत्तर हम लोग देते हैं, पतली इंग्लिश निकल जाए, चलिए सुनिए, के माँ बेटी बहन दुल्हन बनकर आंगन को स्वर्ग बनाती है, लाने को तो आपके इन चारों रिश्तों में चार रिश्ते पुत्र के भी होते हैं, उनको जोड़ दूं, लेकिन आपने उसको भी कहीं ना कहीं छू लिया है, तो मेरी पंक्ति को सुनिएगा, सुनिए मेरे भाव को समझिएगा, मैं भी इनसे अलग नहीं हटना चाहती, लेकिन मेरे भाव देखें, के माँ बेटी बहन दुल्हन बनकर आंगन को स्वर्ग बनाती है, और ये चारों जहां खुश रहती है, तुलसी तो तुलसी, तुलसी तो खुश रहती ही है, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है, क्या? ये चारों जहां खुश रहती है वहां लक्ष्मी स्वयं आ जाती है, लेकिन
देखिए तुलसी में तो कभी कभी ये होता है कि घर का पूरा परिवार अगर चला जाए पानी ना पड़े तो भी मुरझा जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मोहब्बत नहीं वहाँ पर, वहाँ अब जैसे हम ही लोग हैं, दस दस दिन मैं कीर्तन में बाहर रहती हूँ, तुलसी माता को जल नहीं चढ़ पाता तो कभी कभी मुरझा जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे प्यार में कोई कमी है या मेरे परिवार में कमी है। लेकिन नारी ऐसी है जिसको हर जगह प्यार मिले तो अपने आप लक्ष्मी आ जाती है। क्या बात है, मिलती है के माँ बेटी बहन दुल्हन बनकर आंगन को स्वर्ग बनाती है, ये चारों जहाँ खुश रहती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। लक्ष्मी स्वयं आ जाती है, लोग बड़े बड़े हवन यज्ञ पूजन करवाते हैं, नवरात्र में भंडारे कराते हैं, और एक काम ऐसा जो नारियों को करना चाहिए, देखे पुरुष नारी की इज्जत करे लेकिन नारी भी कुछ करे, ये नहीं कि नारी अपने मन की कर रही है और उसको इज्जत दी जाए। कभी कभी नारियां भी गलत रास्ते पर चल देती तो इसका मतलब थोड़ी उनको इज्जत ही मिले। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो नर्क बना दे। प्रथम पाठशाला, प्रथम पाठशाला प्रथम गुरु होती है अपनी माँ। क्या अगर माँ चाह ले तो बच्चा बड़े से बड़ा बन जाता है, बच्चा ऐसा बन जाता है नरेंद्र मोदी जैसा बन जाता है, क्या? और माँ अगर ना चाहे तो बच्चा चोर लुटेरा डाकू भी बन जाता है, ये माँ पर निर्भर है। इसलिए कि ये चारों जहाँ खुश रहती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि एक रोटी गाय को दे ना सके, ये भी एक माँ है। माँ कहते हैं रसोई की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, जैसे तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए ऐसे गाय को एक रोटी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं, आपकी एक रोटी उस गाय के पेट में जाती है तो सभी देवी देवताओं को मिल जाती है। इसलिए कि यदि यदि रोटी एक रोटी गाय को दे ना सके तो मैया कैसे सुख पाएगी। वो गैया को भी तो कुछ चाहिए। एक रोटी गाय को दे ना सके तो मैया कैसे सुख पाएगी, और यदि अपनी माँ ही भूखी हो। अपनी माँ बड़े बड़े भंडारे करा रहे हैं, नवरात में कीर्तन करा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है यदि अपनी माँ ही भूखी हो तो वो मैया कैसे खाए। अब आप कहेंगे काफिया बदल दिया, मेरे में महकेगी चहकेगी तो ये सब लगा दिया है, महकेगी चहकेगी दहकेगी बहकेगी लहकेगी, तो अब मलक से कोई जबरदस्ती का शब्द तो फिट नहीं कर सकते ना। इसलिए जो आ सकता है वही ला रही हूँ। ये रामीर भैया मेरी आदत में नहीं है कि जो बात ना बन रही उसमें भी जबरदस्ती मूसर के मौसिया बने ना, गंदी बात नहीं, जो आ जाए। के यदि अपनी माँ ही भूखी हो तो मैया कैसे खाए। और जोड़ रही हूँ, सुनिएगा सुनिए। के निर्जीव सजीव कोई भी वो सब जन्म धरा पे पाते हैं, सबको धरती माँ अपने आंचल में समेटती है। और आप विश्वास मानिए इससे बड़ी माँ कौन हो सकती है, इससे बड़ी माँ कौन है जो पापियों को भी अपने ऊपर रखे हैं और अच्छे लोगों को भी रखे। ये पुण्यात्मा पाप आत्मा दोनों रह रही है, और कितने कष्ट ये धरती सह रही है पर उफ नहीं कह रही है। तो निर्जीव सजीव कोई भी वो सब जन्म धरा पे पाते हैं,
और मिट्टी से जन्मते जीव सभी, ये भी एक सच्चाई है। चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी बहन, बाप भाई, पिता फूफा चाचा, कोई भी हो, मिट्टी से जन्मते जीव सभी मिट्टी में यहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में यहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में यहाँ मिल जाते हैं। तो मेरा अपना एक सोचना है क्या, कि जब धरती पर ही पाप बढ़े, जब धरती पर ही पाप बढ़े, तो ये मैया कहाँ पर जाएगी, ये किससे अपना दुख गाएगी, और जब नारी घर में दुखी होगी, कि जब नारी घर में दुखी होगी, तो वो माँ दर्शन कैसे दिखलाए, समझते चलिएगा। मेरे जवाब में उस पैदा करने वाली माँ के अलावा भी माँ है, जैसे धरती माँ, गंगा माँ, लक्ष्मी माँ, और देखिए अब गंगा माँ को ले रही हूँ, ये कैसी है, कैसी गिर से आई जो धरती पर, सारे जग में वो विभूषित है, वो गंगा परम पावनी जो आज हो रही दूषित है, आज हो रही दूषित है, आज हो रही दूषित है। इसी गंगा में हम लोग अपने सारी गंदगी को बहा कर चले आते हैं, इसी में कचरा कूड़ा करकट बहाते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि इस गंगा पर क्या बीत रही है। गंगा जो परम पावनी है वो आज हो रही दूषित है, तो जब गंगा दूषित हो जाए, जब गंगा दूषित हो जाए, तो कैसे मुक्ति मिल पाएगी। पहले उस माँ को भी प्रसन्न करने की आवश्यकता है, जब वो माँ प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। तो बस कहने का मतलब ये, कोई भी माँ हो उसका आदर सम्मान जरूरी है। तो यदि अपनी माँ ही भूखी हो, तो कैसे वो मैया खाएगी, सच्चे दरबार की। प्रयास था कि वही वही लड़की जो घर में बेटी बनकर आती है।